आइए बात कर लेते हैं आप कुछ कॉलर से। हमारे साथ पहले कॉलर हैं जयसवाल जी बाराबंकी से, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते मैम जी। नमस्कार मैम, नमस्ते जी। हकीम साहब से बात कर रहे हैं। जी जी फरमाइए। मैं आदाब है, कैसे हैं जयसवाल साहब जी? ठीक, आपका आशीर्वाद है हकीम साहब। कल बात कट गई थी, हम एक केयर ले रहे थे आपकी, पैरों में दर्द था, तो आपके यहाँ से बात किया तो उन्होंने कहा नहीं अब आर केयर लीजिए, क्योंकि यूरिक एसिड भी बढ़ा है थोड़ा सा। आपको फायदा है जयसवाल साहब? नहीं साहब, अभी 8-10 दिन से लिया है हमने, वो हमें दर्द हो जाता है पैर में 2-3 महीने में एक बार होता है, साल भर से करीब। ठीक है, देखिए जिन डॉक्टर से आप ताल्लुक़ में हैं उनको आपने अपनी पूरी कैफियत बताई होगी। ये 3 दवाइयां हैं जोड़ों के दर्द की, नसों के दर्द की। एस केयर जो आप ले रहे हैं, आर केयर जो आपको सजेस्ट किया गया है, और एक आती है टी केयर। तो वो डॉक्टर आपकी पूरी कैफियत समझ के ये बताता है कि कौन सी लेनी है। लेकिन ये दवाइयाँ आपको फ़ायदा करती है। अभी 10 दिन हुए हैं और अब फ़ायदा या तो शुरू हो गया होगा या हो जाएगा। देखिए, इसको खाने से 2 बातें होती हैं, या तो दर्द कम होने लगता है या दर्द 1 हफ्ते के लिए बढ़ जाता है। अगर बढ़ा नहीं है तो कम होने लगा, फिर आपके दर्द की दवाइयाँ छूटती जाएंगी और कुछ दिन बाद ये भी छूट जाएंगी। और अगर जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 4-5 महीने तक लगातार खाएँ, ताकि फिर ये दर्द पलट के आपकी तरफ ना आ सके। तो बिल्कुल जयसवाल जी, आपसे कहना चाहेंगे थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी तो 7 से 8 दिन ही आपको हुए हैं मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए, यूनानी से आपको जुड़े हुए, तो थोड़ा आपको सब्र रखना होगा। देखिए दर्शकों, कोई जल्दबाजी का ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है, आपको धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा, इंतजार करना होगा। 5 से 6 महीने आपको खुद को देने होंगे। कुछ लोगों को बहुत जल्दी असर हो जाता है, कुछ को 15 दिन में असर हो जाता है, 2 दिन में भी असर हो जाता है, या फिर आप लोगों को 1 महीने से ज्यादा भी लग सकते हैं। तो बार बार कहा जाता है कि अगर यूनानी से जुड़ना चाहते हैं, घरेलू नुस्खे जानना चाहते हैं, रोग को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो सब्र का ट्रीटमेंट आप लोगों को यहाँ पे बताया जाता है। जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ को फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ सविता जी हैं, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। हकीम साहब से पूछना था, हमारी बेटी के बाएं चेस्ट में गांठ हो गई है। कहाँ पर हुई? कहाँ पर? अच्छा, उसमें कोई तकलीफ है क्या? हाँ जी। और बच्ची की उम्र भी बता दीजिए। 26 साल। शादीशुदा है? जी जी। ठीक है। अच्छा देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं उनके ब्रेस्ट में और बच्चेदानी में अक्सर गांठ होती है, और जब इनको कोई औलाद पैदा होती है तो ये गांठें कुदरती तौर पर कहाँ चली जाती हैं नहीं मालूम। और ब्रेस्ट की गांठ, बच्चा जब दूध पीता है तो वो उसमें घुल जाती है उस वक्त में जब वो फीडिंग कराती है अपने बच्चे को। ये एक तजर्बे की बात बता रहा हूँ। तो अगर तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो फिर उसकी बायोप्सी कराते हैं, यानी उसके गांठ का थोड़ा सा हिस्सा लेकर वो टेस्ट होने जाता है, और वो टेस्ट भी वो करते हैं, कैंसर का टेस्ट करते हैं और 1-2 टेस्ट कर लेते हैं। तो वैसे चर्बी की गांठें ज़्यादातर महिलाओं के 2 जगह पर, यानी बच्चेदानी में और इसमें अक्सर होती हैं, और उनका ट्रीटमेंट बच्चा होने के बाद अपना आप ही हो जाता है। तो या थोड़ा सब्र करें या बायोप्सी कराएं, या फिर मैं एक नुस्खा बताता हूँ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एक सिरका आता है जिसको कहते हैं एलोवेरा का सिरका, सिरका एलोवेरा का, एलोवेरा का जूस सब पीते हैं, लेकिन सिरका उससे 100 गुना तेज़ और ताकतवर होता है। इसके 3 छोटे चाय के चम्मच भर के 1 गिलास पानी में डालें, और पानी बाद में डालें, दरअसल इसमें 3 चम्मच डालें ये आप सिरका, एलोवेरा का सिरका, और उसमें 1/2 चुटकी ये
खाने वाला सोडा डाल दें तो एकदम झाग से उठेंगे, उठने दीजिए वो झाग शांत हो जाएंगे एक मिनट में, तो उसमें पानी भर के इसको रात के सोते वक्त बच्ची को पिला दिया करिए और बहुत जल्दी उसका ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं हरियाणा से हमारे साथ राजू। हेलो। हेलो जी, बताइए अपना सवाल कीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैंने ये पता करना था सर से, डॉक्टर साहब से, हेयर प्रॉब्लम है काफी, उसका सोल्यूशन बताएंगे आप जी? क्या उम्र है मरीज की? 29 प्लस है सर जी। अच्छा देखिए, नजला वगैरह रहता है तो नज़ले का इलाज करना होगा। अगर आपको नज़ला रहता है तो नज़ले का ही इलाज करें, आपके बाल गिरने बंद हो सकते हैं। और अगर ये नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि आपके बालों को फ़ायदा हो सकता है। तो मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, देखिए रोज़ एक नारियल पानी लें और उसमें आधा ग्राम मोरिंगा का गौन, मोरिंगा का गौन असली लेना, आधा ग्राम खाली डालकर रोज़ पी लिया करें, आपके बाल संभाले नहीं जाएंगे, इतने हो सकते हैं। लेकिन गौन मोरिंगा असली लीजिए, नारियल तो नकली नहीं मिलता, वो आप तो खुद ही तोड़ के पानी निकालते हैं। मेरे बाल गिरने लगे थे और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन जब भी ऐसा लगता है बाल गिरने लगे तो ये नुस्खा मैं खुद भी आजमाता हूँ और जिन लोगों को मैंने बताया उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं सुशीला जी मेरठ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार, मुझे हकीम जी से बात करनी है। जी जी बताइए क्या सेवा। हकीम जी नमस्कार। आदाब। हेलो। जी जी बताइए। हकीम जी मेरे को जो है ना पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है और एसिडिटी बनती है और मेरा पेट ऐसे खिसता है जैसे कोई अंदर से खींच रहा है, मेरा खाना खाने के बाद मुझे जान नहीं आती और मैं ऐसी बेखुद नीचियों से हो जाती हूँ, पैर भी कांपने लगते हैं, जैसे सुबह को नाश्ता किया उसके बाद भी पैर नीचियों से हो जाते हैं, तो मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब? मेरी पिट की थैली निकली हुई है और मैं दवाई भी आपकी खा रही हूँ 3 साल से। कौन सी? मैंने मोरिंगा का गोंद भी मंगाया, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इतनी सारी दवाई मंगा रखी है लेकिन मुझे एक बढ़ के एक परेशानी हो जाती है और फिर मैं आपकी दवाई पूरी तरह से नहीं कर पाती। मैं बड़ी परेशान हूँ, मैंने मोरिंगा का भी मंगा रखा है और उसका भी दूसरे वाला भी मैंने सिया भी मंगा रखा है, सी केयर भी मंगा रखी है, एस केयर भी, मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, ठीक हो जाता है फिर बढ़ जाता है। मेरी एज है 61। ठीक है, सारी तो आप दवाइयाँ करती हैं। और देखिए दरअसल आपको, आपके जो बयान से मुझे पता चला कि आपकी आंतों में प्रॉब्लम है और ये 2-3 तरीके हैं इनको अच्छा करने के। जो दवाइयाँ खाना है वो तो खाइए आप, लेकिन देखिए इन्फेक्शन आंतों में रहता है, जिसके भी आंतें ऐसी अकड़ सी जाती हैं उसके आंतों में इन्फेक्शन रहता है, तो इन्फेक्शन का इलाज ज़रूर करें। और ये जो एक तेल आता है मेडिकल स्टोर पर मिलता है उसे कहते हैं अरंडी का तेल, गांव की ज़बान में अरंडी का तेल और इंग्लिश में कैस्टोल ऑयल, कैस्टोल ऑयल ये 1 चम्मच पिया करें दिन में 1 बार या बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो 2 बार। इसको पीने के बाद गर्म पानी पिए और दिन में 5 बार गर्म पानी पिए तो एकदम राहत हो जाएगी, जैसे शांति हो गई, जो पेट में गैस बनती है और वगैरह वगैरह तो उसी वक्त शांति होने लगती है और गैस खूब पास होगी। और फिर आप इसका जो भी ट्रीटमेंट करते रहें लेकिन ये ज़रूर करें, आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया। तो चलिए सुशीला जी, ट्रीटमेंट तो आपने शुरू कर दिया है लेकिन जो बातें यहाँ पे हकीम साहब ने अभी आपको बताई हैं उनको ख्याल रखिएगा, उनका ध्यान रखिएगा और जल्द से जल्द आप बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत ही आप फिटनेस अपने आप में मतलब इतना फिट महसूस करेंगी कि आपको लगेगा कि अरे आप, मुझे कोई रोग था नहीं, मुझे तो कोई रोग ही नहीं था, क्योंकि घरेलू नुस्खे इतने कीमती होते हैं दर्शकों, कोई भी अपना रोग संबंधी उनसे प्रश्न कर सकते हैं, कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो हेल्पलाइन नंबर लगातार फ्लैश की जा रही हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी 24 आवर्स, क्योंकि कई बार दर्शक बहुत सारी बातें सुनने से छूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारी बात नहीं
नहीं हो पाई है, तो आप सारी परेशानी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे साझा कर सकते हैं, अच्छे से बहुत सारी बातें आप डिटेल में जान सकते हैं। और अगर आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयास, फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें हकीम साहब जुखाम खांसी बुखार की, तो ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो लोगों को लगी रहती हैं, और आज का जो समय चल रहा है, चाहे वो महामारी हो, संक्रमण हो, जो भी अब हवा चल रही है उसको लेके हर एक व्यक्ति के अंदर डर है। उसे कोई बड़ी बीमारी तो है ही, लेकिन इसको लेके भी अब वो कहीं ना कहीं परेशान हो चुका है। वो चाहता है कि कोई ऐसी दवा उसको मिल जाए, ऐसा घरेलू नुस्खा उसको मिल जाए जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। और देखिए, इस वक्त तो पूरे विश्व को जी इसकी ज़रूरत पड़ गई, और यूनानी ने हमेशा से ये कहा है कि दवा जो है जब आदमी खाता है तो उस पर अच्छे से काम करती है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी होती है। दवा वो खाते ही अपना असर दिखाती है, और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वो बड़ी मुश्किल से काम कर पाता है, क्योंकि हमारे जिस्म में कीटाणु हैं एक तरह के, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, और वो एक फौज है। जैसे किसी देश की फौज होती है, ऐसी हमारे जिस्म की एक फौज है जिसे इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। तो ये कीटाणुओं के रूप में है, और हर शख्स में ये होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। जिसमें कम होती है वो नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें और सांस के मर्ज में मुब्तला रहते हैं। तो सबसे पहले ऐसे शख्स को, और ख़ास तौर पर इस वक्त, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए। यूनानी में बहुत सारे घरेलू इलाज हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, हम भी बनाते हैं। और घरेलू इलाज मैंने कई बार बताया भी है कि लिसोड़ा और अलसी उन्नाब, ये तीन चीज़ें सबको बराबर बराबर वजन में लें, 100-100 ग्राम, और इसमें मिलाइए पीपलें जो किचन में गरम मसालों में एक इंच की, डेढ़ इंच की होती है, 10-20 ग्राम ये मिलाकर पाउडर बनाएं, और एक एक चम्मच सुबह शाम गरम पानी से खाएं, खट्टी चीज़ें छोड़ दें, तो 5-6 महीने में आपका इलाज मुमकिन है जी। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। एहसान है हमारे साथ रुड़की से, स्वागत है आपका। अकरम साहब जी नमस्कार। जी आदाब। अकरम साहब, एक तो सांस फूलता है और पेट में कब्ज रहता है। एज बताइए। एज है मेरी 72 साल की। और कितने दिन से है ये सब? ये करीबन जब से मैंने ऑपरेशन कराया था जब से ज्यादा हो गई। अन्य वैसे तो मतलब सांस भी हल्का हल्का फुल्ला कर रहा था पहले भी, और मतलब कहने का यह है कब्ज भी कभी हो गया, मतलब ठीक हो जाऊंगा। नहीं, लेकिन कोई दवाई ववाई खा ली, जैसा कि मतलब सौंफ है, जीरा है। अच्छा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा आपने कब ऑपरेशन कराया था? मुझे तो ये बताइए कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए? ऑपरेशन को तो 1.5 साल हुआ जी। ठीक है, तब फिर आप ठीक हो सकते हैं, पहले की तरह हो सकते हैं, सांस फूलना बंद हो सकता है। घरेलू नुस्खा लिख लीजिए, और देखिए किसी भी बड़े ऑपरेशन के बाद जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो इंतहाई एंटीबायोटिक होती है, यानी कीटाणुनाशक समझ लीजिए। तो जिससे हमारे जख्म तो सूख जाता है, लेकिन हमारे जिस्म में जो अच्छे कीटाणु हैं वो मर जाते हैं, आंतों पर असर पड़ता है, वो सुकड़ जाती है। उस वक्त का वही बेहतरीन इलाज है जो डॉक्टर्स ने दिया। अब जो आप इलाज करेंगे वो इस तरह से करेंगे, देखिए जीरा सौंठ धनिया सौंफ, जीरा सौंठ धनिया सौंफ 200-200 ग्राम लेनी है, और 150 ग्राम लेना है नमक कलौंजी। कलौंजी का नमक मुश्किल से मिलेगा, 150 ग्राम इसमें मिला दीजिए, और ये सब रॉ मटेरियल आप घर में पाउडर बनाएंगे, और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम गर्म पानी से लें, और 5 बार कम से कम गर्म पानी पिया करें, 5 गिलास, और मैं भी पीता हूँ,
जैसे ये बोतल रखी है तो मैं ये बोतल ओवन में रख देता हूँ 1 मिनट 20 सेकंड के लिए, फिर इसमें पानी गर्म हो जाता है इतना कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में पीकर ख़त्म कर लेता हूँ। ऐसे आपको 5 बार पीना है। आप जिस दिन से ये इलाज शुरू करेंगे उस दिन से आपकी तबीयत अच्छी होने लगेगी। और ये मटेरियल जो मैंने आपको 950 ग्राम बताया, ये ख़त्म होते होते आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं।